क्या हुआ? कोरोना तोरोना कुछ नहीं। कुछ क्या बोले? कोरोना तोरोना कुछ नहीं। कोरोना तोरोना कुछ नहीं है। इलेक्शन से पहले ऐसा कुछ मैटर नहीं, इलेक्शन के बाद मैटर आ गया कोरोना मास्क ये सारा सब बेवकूफी है। नहीं पहला नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। जिस तरह से ओमिक्रॉन वायरस का कहर बढ़ रहा है, अभी अभी ओमिक्रॉन पे लगभग भारत में 78 मरीज हो चुके हैं। जिस तरह से कोरोना काल की द्वितीय लहर में बिहार और पूरा देश डूबा हुआ रहा, कैसे लोग मर रहे थे, सरकार से संभला नहीं संभल रहा था हालात पर, तीसरी लहर की दस्तक कभी भी भारत में आ सकती है। अभी मैं बांकेपुर बस स्टैंड में है, आपको मैं एक विजुअल से दिखाता हूँ। देखिए बांकेपुर बस स्टैंड में किस तरह की स्थिति बनी हुई। यहाँ पे सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा। यहाँ पर देखिए किस तरह से जनता बिना मास्क पहने इस बस स्टैंड में घूम रही है। देखिए पहले यह वीडियो आप। आप मास्क नहीं पहने हुए ये बताइए, आप यहीं बस स्टैंड पे रहते हैं? आप चढ़ाने आए हैं? आप बस पे काम नहीं करते हैं? चढ़ते हैं, जब इमरजेंसी में था उनको छोड़ने आ गए। ओमिक्रॉन बढ़ रहा है और आप लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं? जल्दी में आ गए हैं छोड़ने से। इलेक्शन खत्म हो गई, कोरोना स्टार्ट हो गया। इलेक्शन से पहले कोरोना नहीं निकलता था, अब इलेक्शन हो गया इन लोगों का और जनता के पीछे कोरोना का कहर ढाना शुरू हो गया। यानी सरकार झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है। इससे पहले कोरोना नहीं, कभी पेपर में नहीं दिया कि नवादा में निकला, समस्तीपुर में निकला, पटना में निकला, नवादा। इलेक्शन से पहले ऐसा कुछ मैटर नहीं, इलेक्शन के बाद मैटर आ गया कोरोना मास्क पे ये सारा सब बेवकूफी है, नहीं पहनना चाहिए। और हमारे जो प्रशासन है या हमारी सरकार है, जो 1 किलो आटा डेली कमाता है और उसके बच्चे करने वाला मिलता है, उन लोगों को क्रश किया जाता है और बड़े अमीरों को ऐसे छोड़ दिया जाता है आम जनता। आपको कहने का मतलब है कोरोना सिर्फ लोगों को डराने के लिए हमेशा नहीं, डराने के लिए नहीं है, है। लेकिन इससे पहले क्यों नहीं था, इलेक्शन से पहले कभी आप क्यों नहीं आए माइक लेके कि कोरोना है, मास्क है? क्योंकि अभी बोल रहे हैं सरकार की बढ़ रहा है कोरोना, सरकार इलेक्शन के बाद बढ़ता ही है और 22 मार्च तक लॉकडाउन भी लग जाए, लग जाएगा एकदम 100% लग जाएगा ना, एकदम 110%। जी आप बताइए क्या हुआ, कोरोना क्या हुआ? कोरोना तोरोना कुछ नहीं है। कुछ क्या बोले? कोरोना तोरोना कुछ नहीं है। कोरोना तोरोना कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं इन लोगों का कहना है कि कोरोना तोरोना कुछ नहीं है। चलिए आप जो ये स्क्रीन पे नजारा देख रहे हैं, यह बांकेपुर बस स्टैंड का टिकट काउंटर है। देखिए कितने लोग हैं जो मास्क पहने हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर यही हाल रहा तो बिहार को इस बार भी कोरोना से कोई नहीं बचा पाएगा। एक भी पोस्टर नहीं है, ना ही कोई अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। वहाँ पे कुछ तो रहना चाहिए, जिस तरह से स्टेशन पे लोगों का जांच होता है, बस स्टैंड पे क्यों नहीं जांच होता है? आप किराया बढ़ाते हैं मगर आप बस स्टैंड का हालत देख सकते हैं, कहीं कोई सरकारी गाइडलाइन नहीं, कहीं कोई लोगों को समझाने के लिए तैयार नहीं है कि आप मास्क पहन लीजिए, या कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से सभी लोग विदाउट मास्क बैठे हुए। कुछ लोग हैं जो मास्क लगाए हुए हैं, वो भी सिर्फ नाम भर लोग हैं। आपको क्या लगता है, देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है बिहार की बस स्टैंड की और यह पटना। तो आपने देखा किस तरह से बांकेपुर बस स्टैंड में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों से जब मैं पूछ रहा हूँ कि सर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, इस पर उनका साफ कहना था कि सरकार जब इलेक्शन आती है तो उस वक्त तो कोरोना नहीं आता है, मगर अभी आप क्यों आए हैं बस स्टैंड में? सोचिए
जब लोगों की यह राय रहेगी तो कोरोना पे हम लोग कैसे काबू पाएंगे। यहाँ पे देखिए मेरे सामने एक सज्जन है, यह भी देखिए मास्क नहीं पहने हुए है, आप सामने में देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ, यहाँ बस स्टैंड है, यह बांकेपुर बस स्टैंड है, यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ भीड़ भाड़ है, अभी कुछ कम भीड़ है, मगर यहाँ पे ना कोई मास्क पहना हुआ है ना ही कोई प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। अब बताइए अब इस स्थिति में क्या होगा बिहार में। मेरे समझ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोरोना आकर ही रहेगा, क्योंकि सरकार अभी तक जागरूक नहीं है, कोई किसी भी तरह का यहाँ पे कोई बैनर पोस्टर नहीं लगाया गया है जिससे कि लोग जागरूक हो, लोगों में अवेयरनेस का पालन कराया जाए। यहाँ पे सरकार का कोई अधिकारी भी नहीं है कि लोग, ना ही यहाँ पे कोई बैनर पोस्टर लगा हुआ है कि लोग जागरूक हो कोरोना से। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, आप बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।